हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो है क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में 3.3 तक हो गया है। 3.3 में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा, फाइंडिंग अ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थ्रू सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो है कैसे किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हम सॉल्यूशन निकाले, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू निकालना, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा। उससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने ग्राफिकल मेथड से सीखा था वो चीज। ठीक है, आज हम लोग जो है यही सेम चीज सीखेंगे, मतलब सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो हमारे पास मतलब तीन थ्योरेटिकल मेथड है और एक ग्राफिकल। तो ग्राफिकल तो सीख चुके हैं सिंपली ग्राफ ड्रॉ करके, और तीन थ्योरेटिकल हैं। तो फर्स्ट वन वाज सब्स्टिट्यूशन, फिनिश हो गया, नाउ इट इज एलिमिनेशन। अब हम लोग एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एकदम बेसिक इजी है एलिमिनेशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसमें स्टेप्स भी कम होते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर हम बात करें तो ज़्यादातर हम लोग क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड के आंसर्स निकालने का जो प्रोसेस है काफ़ी लेंथी गया, एलिमिनेशन में वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमको फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थ्रू एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से हमको इस मान लीजिए कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका हमको सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो एलिमिनेशन का पहले मीनिंग क्या होता है, जैसे सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग था रिप्लेस, है ना, एलिमिनेशन का मतलब होता है हटा देना, मतलब उसको पूरी तरह से हटा दिए और बचा ही नहीं। ठीक है, वो वेरिएबल को गायब कर दिए। ठीक है, गायब कर दिए, इसी प्रोसेस को हम एलिमिनेशन कहते हैं। जैसे कि हमको जो फर्स्ट स्टेप है इसमें स्टेप्स वाइज होता है प्रोसेस। जैसे कि इसमें अगर हम स्टेप वन का बात करें तो स्टेप वन में हमको क्या करना है कि हमको पहले यहां वाई है, हमको डिसाइड करना है कि हमको किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, एक्स को या वाई को। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो हाँ, स्टेप वन में हमने डिसाइड किया साथ में। अब जो दोनों के कोफिशियंट हैं उनसे एक दूसरे को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी जैसे अगर ये इक्वेशन वन हो गया, ये इक्वेशन टू हो गया, तो हम इसका कोफिशियंट x का क्या है, a2। तो हम लोग इक्वेशन वन को a2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन टू को मल्टीप्लाई कर देंगे a1 से। तो अगर आप देखिए इसको a2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, a1 a2x प्लस a2 b1y प्लस a2 c1 इक्वल्स टू जीरो, ये आएगा। और इसको अगर आप देखें, इसको a1 से दूसरे इक्वेशन को a1 से किए तो यहां पे भी आ जाएगा a1 a2x प्लस a1 b2y प्लस A1C2 equals to zero। अब देखिए अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें इस इक्वेशन को इससे, तो ये देखिए ये पूरा x जो है क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ y और कांस्टेंट, है ना, y का वेरिएबल वाला टर्म बचेगा और कांस्टेंट टर्म बचेगा, इससे हम y का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। उसके बाद उस वैल्यू को किसी भी इन दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हर बार सब्ट्रैक्ट करें हम लोग। ठीक है, स्टेप्स इसमें जैसे जैसे हमने किए, जो फर्स्ट हो गया हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, है ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर a2 यहां नेगेटिव में होता पहले से, ठीक है, पहले से नेगेटिव में होता, सब्ट्रैक्ट करने का जरूरत नहीं होता, सिर्फ ये तब नेगेटिव आ जाता, सिर्फ हम अगर ऐड भी कर देते तब भी होता। तो स्टेप टू में हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, और अगर ये करने के बाद अगर कंडीशन आ जाए नो वेरिएबल बचे, मतलब वहां वेरिएबल ही खत्म हो जाए, जैसे मान लीजिए कि इसका भी कॉमन, मतलब कि ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करने पे जो आपका इन दोनों का भी जो टर्म्स हैं वो सेम हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में नो वेरिएबल, से एक भी वेरिएबल नहीं बचेगा, दोनों ये भी कैंसिल आउट हो जाए मान लीजिए, तो सिर्फ कांस्टेंट बचेगा। तो अब वहां पे क्या है कि उस केस में अगर हमको ट्रू स्टेटमेंट मिलता है,
क्या मिलता है, ट्रू स्टेटमेंट मिलता है। जैसे उस पिछले एक्सरसाइज में मिला था 9 = 9, ये कौन सा स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो क्या आएगा, इनफिनाइट सॉल्यूशंस होंगे उसके, ठीक है, इफ वी गेट ट्रू स्टेटमेंट्स। जब हम सब्ट्रैक्ट किया, ऐड किया और हमको ट्रू स्टेटमेंट मिल गया विदाउट एनी वेरिएबल, वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कॉन्स्टेंट है दोनों तरफ, इक्वल टू के दोनों साइड क्या है, कॉन्स्टेंट है, और दोनों जो है क्या है, ट्रू स्टेटमेंट दे रहा है हमको, तो वो क्या होगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होंगे इसके। और अगर फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है, मान लीजिए कि यहाँ आ गया 9 = 10, तो ये क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है ना। फॉल्स स्टेटमेंट अगर दे रहा है तो वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन वाला, ठीक है, उसका सॉल्यूशन नहीं है। मतलब वो कैसा ग्राफ बनने वाला है, वो पैरेलल लाइन वाला ग्राफ बनने वाला है, ठीक है। और जिसका इन्फिनाइट सॉल्यूशन था वो कोइंसिडेंट, हम ये सब तो इसी तरह से जो है हमको करना है। इसके बाद जब हमारा ये ऐड या सबट्रैक्ट करेंगे स्टेप थ्री में, हमको क्या करना होगा, हमको वैल्यू निकालना होगा, है ना, वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल हम फाइंड करेंगे, है ना। अगर ये नहीं होता है, नो वेरिएबल वाला केस नहीं आता है, तो स्टेप थ्री में हमारे पास देखिए यहां सिर्फ वाई बचेगा और कॉन्स्टेंट, इससे वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल निकाल लेंगे, फिर इस वैल्यू को स्टेप फोर में पुटिंग मतलब कि ये वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल इन एनी इक्वेशन, किसी इक्वेशन में इस वेरिएबल को पुट करके, चाहे इसमें या इसमें पुट कर देंगे, और वी विल गेट द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल, हमको दूसरे वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो अब हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तो कंफर्म है कि समझ में आएगा। ये हमारा एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सॉल्व करना है यहाँ पे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, ठीक है, और है इसमें क्वेश्चंस, ये पहला है इसका, तो यहाँ हमको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड्स की मदद से हमको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है, ठीक है, इस इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड पिछला एक्सरसाइज में आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका होमवर्क है, खुद सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है, हो जाए तो बताइए, नहीं हो तब भी बताइए हमको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशंस है वो है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब देखिए सिंपल है, यहाँ पे अगर आप देखिए तो हमने क्या किया था, जिसको एलिमिनेट करना है उसके कॉफिशियंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, मल्टीप्लाई कॉफिशियंट्स को हमेशा करना जरूरी नहीं है, मतलब कि किसी एक के भी कॉफिशियंट को मल्टीप्लाई करके, मतलब आपको बस क्या करना है कि दोनों के कॉफिशियंट को सेम करना है, सिंपली यही बात है। तो सेम करने के लिए जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, ये 3 है और यहाँ क्या है 1 है, तो आप इस 3 को अगर इस इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा यहाँ 3y आ जाएगा, और यहाँ प्लस 3y माइनस 3y फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ 2x है, यहाँ पे x है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस कर दीजिए, आप दोनों में से कोई भी प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है y वाला ही, y को ही सब्स्टिट्यूट मतलब कि एलिमिनेट करेंगे यहाँ, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग 1/3, ठीक है, 1 इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 3x, x इंटू 3 3x, x इंटू y सॉरी 3 इंटू y 3y, 3 इंटू 5 15, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3, ठीक है। अब हमारा देखिए ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया, देखिए जिसमें भी 3 है 3y, इसमें भी 3y, ये माइनस में ये प्लस में, दोनों को क्या करेंगे हम, सिंपली बस ऐड कर देंगे, है ना, इन दोनों को, इस इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को क्या करने वाले हैं हम लोग, ऐड करने वाले हैं, ठीक है, तो लिख देंगे एडिंग, इक्वेशन 2 एंड 3 को ऐड करेंगे, इक्वेशन 2 क्या है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, इक्वेशन 3 क्या है तो 3x
प्लस 3y इक्वल्स टू 15। देखिए अब ऐड करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5x इक्वल्स टू 19। x इक्वल्स टू क्या आया, 19/5। तो ये हो गया हमारा x का वैल्यू। अब हमको किसका वैल्यू चाहिए, हमको y का भी वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू के लिए हम किसी में भी इस x को पुट कर देंगे। हम इक्वेशन 1 ईजी दिख रहा है, इक्वेशन 1 में ही पुट करते हैं। तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 19/5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने x इज इक्वल टू 19/5 को पुट किया, तो देखिए यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा, 19/5 प्लस y इक्वल्स टू 5। तो ये उधर चले जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 - 19/5 इक्वल्स टू हो जाएगा 5 × 5 = 25 - 19/5। Therefore, y इक्वल्स टू 6/5। ये आगे हमारा y का वैल्यू लिख देंगे। हैंस एस x इक्वल्स टू 19/5 एंड y इक्वल्स टू 6/5। बस एक बात को आपको याद रखना है कि यहाँ पे हमको दोनों मेथड से बोला है बाई एलिमिनेशन। तो यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट में बाई एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो तो आपको करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड किया। देख लीजिए एक बार फिर से इसको, क्या देखिए, पहले x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 था और यहाँ 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 था। हमने क्या किया, y के कोफिशियंट्स को सेम करने के लिए, यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 हो जाता है, तो इसलिए इक्वेशन 1 को हमने सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 3x 3y और 15। इसको इक्वेशन 3 ले लिए। अब इक्वेशन 2 और 3 को आपस में ऐड कर दिया, ऐड किया तो 2x माइनस 3y और 3x प्लस 3y, यहाँ 4 यहाँ 15 ऐड किए तो 3y कैंसिल आउट हो गया, बचा गया 2x प्लस 3x, तो क्या हो गया, ये 5x हो गया। और यहाँ 4 प्लस 15 क्या आ गया, 19। तो x इज इक्वल्स टू आ गया 19/5। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड नंबर, सेकंड है क्या, तो देखिए हमको फिर से वही एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन से हम करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से आप, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 दिया है, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2 दिया है, ठीक है। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। फिर यहाँ पे हमको पहले कोफिशिएंट जिस किसी एक को पहले डिसाइड कर लीजिए किसको हमको एलिमिनेट करना है। तो हम यहाँ डिसाइड किए कि हमको y को एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब बोलेगा y को एलिमिनेट क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए y के आगे यहाँ 4 है और y यहाँ पे 2 है, तो 2 को हम सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 हो जाता है ना। कोफिशिएंट को सेम करना है पहला बात, जिसको एलिमिनेट करना है y को करना है। और एक रीजन है क्या कि जो एडिशन है वो सब्ट्रैक्शन से ईजी होता है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब अगर सब्ट्रैक्ट करते समय अगर किसी एक का साइन चेंज करना भूल गए तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, आंसर गलत हो जाएगा। तो ऐड करना एकदम ईजी, ऐड करने में सेम चीज हम उतार देते हैं, इसलिए यहाँ पे क्यों, तो यहाँ देखिए ये माइनस है और यहाँ प्लस है, तुमको सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा बल्कि एडिशन करके ही हम यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं वाई को, ठीक है, इसलिए भी हम वाई को चुने यहाँ। तो यहाँ पे जो हमारे इक्वेशंस हैं वो है सॉल्यूशन 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। सेकंड वन इज 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। अब देखिए ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग करेंगे किसको, 2 को किससे, तो बाय 2 से, ठीक है। इक्वेशन 2 को किससे कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास देखिए क्या आ रहा है, 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4 आ रहा है। अब इसको आप ले लीजिए इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे हम, तो हम सिंपली एडिशन करेंगे, एडिंग 1 एंड 3, फर्स्ट इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तभी ना ये एलिमिनेट होगा। हमारे पास क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, दूसरा है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू, सॉरी 4x है ना, हाँ। अब देखिए
ये तो कैंसल आउट हो गया, 4 बाय 4 बाय, माइनस था प्लस था, ये क्या हो गया, यहाँ प्लस कर रहे हैं ऐड, तो ये हो गया हमारा 7x इक्वल्स टू 14, यहाँ 4 था वो 14, तो ये 7x इज इक्वल टू क्या आ गया, 14 आ गया, तो इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या होगा, 14/7, देयरफॉर x इक्वल टू 2, x का वैल्यू क्या आ गया, 2 वैल्यू 2 आ गया। वैसे ही अब हम लोग y निकालेंगे, y निकालने के लिए हमको x के वैल्यू को कहीं पुट करना होगा, चलिए इक्वेशन 2 थोड़ा सा इजी है उसमें पुट कर देते हैं, या आप 1 में भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन 2, इक्वेशन 2 में हम पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल्स टू 2, तो क्या आया, देखिए 2 इंटू 2 हो गया 4, माइनस 2y इक्वल्स टू 2 हो गया, 4 उधर जाएगा, माइनस 2y इक्वल्स टू हो गया 2 माइनस 4, तो माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसल आउट, y इक्वल्स टू 2/2 इक्वल्स टू 1, देयरफॉर क्या हो गया, y इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक है, तो हेंस लिख देंगे x इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1, दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ये दोनों सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे 1 का 2, ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे 1 का, ठीक है, 1 का 3 करने के लिए देखिए फिर यही ये क्वेश्चन है हमारे पास, 3x-5y-4=0, ठीक है, देखिए पहले अगर आप देखें इन दोनों एक पहले क्वेश्चंस को देख लीजिए, तो ये इक्वेशंस अरेंज्ड नहीं है, मतलब यहाँ पे जो आपका a1 b1 और c1 है इज इक्वल टू के इधर है, यहाँ पे a1 इधर है, b1 और a2 इधर है, b2 और c2 दूसरे तरफ है, तो सबसे पहले हम एक अरेंज वे में लाएंगे, तो एलिमिनेशन मेथड्स को यूज करने के लिए हम जनरली जो इक्वेशन को यूज करते हैं वो इस टाइप का होता है कि a और b जो है इस तरफ हो और इक्वल टू के दूसरे तरफ क्या हो, सी हो, ठीक है, इसी मेथड को हम जनरली इसी इक्वेशन को यूज करते हैं, तो उसी फॉर्म में हम पहले लेते आते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 3x-5y=4, इसको अब लेंगे हम इक्वेशन 1, ठीक है, वैसे अगर यहाँ देखें हमारे पास है 9x=2y+7, ठीक है, 9x=2y+7, ठीक है, ये हमारे पास है, तो 2y को हम इधर लेते आएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 9x-2y=7, अब देखिए ये एक जैसा इक्वेशन हो गया, अब इन दोनों इक्वेशन में देखिए, अब हमने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस बार हम x को एलिमिनेट करने वाले हैं, तो x को एलिमिनेट करने का रीजन देखिए, रीजन वही है कि यहाँ पे क्या है, 3 है और यहाँ क्या है, 9 है, तो हम अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 आ जाएगा, दोनों कॉफिशियंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, दोनों कॉफिशियंट्स सेम होने के बाद हम अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ y, समझे, तो इसलिए जो है हम क्या करने वाले हैं, हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं 1 वो किस से, तो बाय 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 3×3 9x-15y=12, इसको ले लीजिए इक्वेशन 3, अब हमको क्या करना होगा, अब देखिए दोनों का साइन तो सेम है, यहाँ पे अभी पहले दो इक्वेशंस में हमने ऐड किया, अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 को या इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 को, किसी कैसे भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2, फ्रॉम 2 लिखे तो 2 ऊपर लिख दीजिए, 9x-2y=7, और 3 को नीचे तो 9x-15y=12, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ क्या हुआ, 9x आपका सिंपली कैंसल आउट हो गया, यहाँ बचा क्या, 2y और 15, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 13y, 13y=-5,
तो y इक्वल्स टू आ गया -5/13, ठीक है। ये आ गया हमारा y का वैल्यू -5/13। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको बस पुट कर देंगे हम किसी इक्वेशन में, फर्स्ट या सेकंड में, ठीक है, फर्स्ट में ही पुट करते हैं। तो फर्स्ट में जब हम इसको पुट करते हैं, यहां लिख देंगे पुटिंग y इक्वल्स टू -5/13 इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में पुट किया था, हमारे पास आ गया 3x -5 × -5/13 इक्वल्स टू 4। तो अब यहां देखिए 3x इज इक्वल्स टू हो गया -5 × -5 + 25/13 इक्वल्स टू 4। इसको उधर भेज दीजिए तो 3x इज इक्वल्स टू आ गया 4 − 25/13। 13 4 are 52 − 25/13, यहां 3x पहले से ही है। तो ये 52 − 25 कितना हो गया, 27/13, ठीक है। अब इस 3 को उधर भेज दीजिए तो x इज इक्वल्स टू आ गया 27/13 × 3, ठीक है। यहाँ 3 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब ठीक है, तो 13 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 13 में नीचे ही है। तो 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, तो x का वैल्यू क्या आ गया 9/13, ठीक है। तो फिर लिख देंगे हेंस x इक्वल्स टू 9/13 एंड y इक्वल्स टू -5/13 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4 लास्ट है, वन फर्स्ट क्वेश्चन का। तो अब यहां पे अगर हम देखें फिर यही हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, x/2 + 2y/3 = -1। तो देखिए पहले इनको जो फ्रैक्शन फॉर्म से हमको सिंपल जो लीनियर इक्वेशन का फॉर्म होता है उसमें चेंज करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए हम यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 6। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x + 4y = -1। अब 6 को उधर भेज दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 3x + 4y = -6। ये हो गया हमारा इक्वेशन वन। दूसरा जो हमारे पास इक्वेशन है, दूसरा है x − y/3 = 3। अगर हम इसको एलसीएम ले लें यहाँ पे तो क्या होगा, 3 भी आ जाएगा नीचे, ठीक है, और ये 3x हो जाएगा माइनस हो जाएगा y, 3x − y = 3 हो जाएगा। ये 3 उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 3x − y = 3 × 3, 9, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, ठीक है, एकदम सिंपल हो गया। ये हो गया इक्वेशन 1, ये 2 हो गया। तो देखिए इसमें तो हमको मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही 3x और 3x है ना, दोनों में 3x है ही। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि इस दोनों में साइन सेम है, प्लस का ही साइन है, तो सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में 1 को, तो 2 में, अच्छा 1 में 2 को, ठीक है। तो इक्वेशन 1 है यहाँ पे 3x + 4y = −6, ठीक है, और ये जो इक्वेशन है वो है 3x − y = 9। तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये 3x 3x कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 5y − 15। तो y = −15/5, therefore y = −3, ठीक है, y = −3 आ गया। या ये यहां लिख लेते हैं, y का वैल्यू -3 आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है इसको पुट करेंगे, पुटिंग y = −3 इन 2 में या 1 में, 2 में रख लेते हैं, ठीक है।
सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरह नहीं है कि जैसे अगर हम एक किसी इक्वेशन से हमने किसी दूसरे एक्स या वाई का वैल्यू निकाला तो उस वाले इक्वेशन में हम उसको पुट नहीं कर सकते थे, पर यहाँ पे जो है एलिमिनेशन मेथड में ऐसा नहीं है, हम यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट कर सकते हैं जो वैल्यू हमारे पास आएगा। वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री आ गया तो अब क्या कर रहे हैं हम, बस इसको हम इक्वेशन टू में पुट कर रहे हैं। तो हमारे पास है क्या, हमारे पास है थ्री एक्स माइनस वाई है, तो माइनस ऑफ माइनस थ्री इक्वल्स टू नाइन, थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू नाइन, थ्री एक्स इक्वल्स टू नाइन माइनस थ्री, थ्री एक्स इक्वल्स टू सिक्स, देयर फोर एक्स इक्वल्स टू सिक्स अपॉन थ्री इक्वल्स टू टू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x का वैल्यू, x इज इक्वल्स टू टू। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर फोर खत्म हो गया। तो यहाँ है हमारा क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू में भी फाइव क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, नीचे जो आपको प्रॉब्लम्स हैं नीचे दिए हुए, ठीक है, उनसे क्या करना है, तो लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है और सॉल्व करना है उनको। ठीक है, सॉल्यूशंस निकालने हैं उनके, किससे, तो एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड का ही एक्सरसाइज है, तो आपको यही मिलेगा इसमें। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पहला जो है हमारा। इफ वी ऐड वन टू न्यूमिरेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू वन, इट बिकम्स वन बाय टू इफ वी ऐड वन टू द डिनोमिनेटर एंड व्हाट इज द फ्रैक्शन। कहता है कि इफ वी ऐड वन टू द न्यूमिरेटर एंड वन टू द सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम डिनोमिनेटर, कहता है कि अगर हम न्यूमिरेटर में वन ऐड करें और डिनोमिनेटर में वन सब्ट्रैक्ट करें, न्यूमिरेटर में वन ऐड करें और डिनोमिनेटर में वन सब्ट्रैक्ट करें, तो वो फ्रैक्शन जो है वो रिड्यूस होके वन पे चले जाता है, मतलब वन बाय वन के फॉर्म में आ जाता है। और अगर क्या होता है कि अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में वन ऐड करते हैं, न्यूमिरेटर में कुछ ऐड नहीं करते हैं, तो जो फ्रैक्शन है वो वन बाय टू में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमको सिंपली क्या करना है, सिंपली हमको इक्वेशंस फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमको डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का कुछ वैल्यू मानना होगा। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में भी बनाया है, उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया था, यहाँ एलिमिनेशन है, बस यही अंतर है। तो हम लिख लेते हैं, लेट द न्यूमिरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। आपको पूरा लिखना है, हम बस शॉर्ट के लिए लिख रहे हैं। सो फ्रैक्शन विल बी, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई। ठीक है, एक्स अपॉन हो जाएगा वाई फ्रैक्शन। तो अब देखिए जो क्वेश्चन हमको कह रहा है, इसको आपको ध्यान से देखना समझना है। क्वेश्चन हमको कह रहा है कि इफ वी ऐड वन टू न्यूमिरेटर, तो न्यूमिरेटर हम यहां एक्स लिए हैं, न्यूमिरेटर में हम वन ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं डिनोमिनेटर में वन, वन डिनोमिनेटर में मतलब वाई माइनस वन कर रहे हैं, तो हमको जो फ्रैक्शन मिल रहा है वो है वन। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, तो आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वन इक्वल्स टू वन इंटू वाई माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा वाई माइनस वन, वाई इधर लेते आइए एक्स वन को उधर भेज दीजिए, आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस वन माइनस वन, यही आएगा माइनस वन, ये पहले से ये भी माइनस हो गया, तो यहां पे क्या आ गया एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टू, इसको हमने ले लिया इक्वेशन वन। एंड हमारे पास जो सेकेंड कंडीशन है उसमें ये क्या कह रहा है कि इट बिकम्स वन बाई टू, इट बिकम्स वन बाई टू इफ वी एड वन टू डिनोमिनेटर, सिर्फ अगर डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर को वैसे ही छोड़ दिए, सिर्फ डिनोमिनेटर में अगर हम वन ऐड कर देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रैक्शन वन बाई टू में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास देखिए क्या आ जाता है टू एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस वन, सिर्फ वाई को इधर लेते आइए तो आपके पास आ जाता है टू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वन, ये हो गया आपका इक्वेशन टू। देखिए अब दोनों में y का कोफिशिएंट तो सेम ही है, यहाँ पे भी माइनस वन है, यहाँ पे भी माइनस वन है,
तो हमको सिंपली कुछ नहीं करना है यहाँ पे, मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई हम तब करते हैं जब y का कोफिशियंट या x का कोफिशियंट, जो दो इक्वेशंस है, किसी एक का कोफिशियंट, किसी का भी कोफिशियंट जो है वो सेम नहीं होते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे अगर हम यहाँ x का बात करें तो भले यहाँ x1 है और यहाँ पे कोफिशियंट इसका 2 है, पर y का कोफिशियंट दोनों जगह सेम है, ठीक है। कोफिशियंट y का सेम होने के कारण अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग ये जो हमारा इक्वेशन 2 है इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 आया है, ये है हमारा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सिंपली, या 1 में 2 को किसी को भी, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 2 में 1 को घटा रहे हैं तो 2 है हमारा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, और 1 है x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये हमारा यहाँ बचा क्या, हमारा वाई वाई कैंसिल हो गया, 2x माइनस x तो सिर्फ x बचा, और यहाँ क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 3, ठीक है। x का वैल्यू हमारे पास 3 आ गया, तो अब हम इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे किसी इक्वेशन में और निकालेंगे वैल्यू, ठीक है। तो उसके लिए जो है हम यहाँ रब कर देते हैं थोड़ा सा, या ऊपर से ही रब कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है हमारे पास, ये है इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करें x का वैल्यू, पुट इन x इक्वल्स टू 3 इन 1 इक्वेशन 1, तो हमारे पास देखिए क्या आ रहा है, हमारे पास आएगा x यानी कि 3 माइनस y का वैल्यू नहीं है पता वैसे ही, और इक्वल्स टू माइनस 2, तो 3 उधर जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 3, इंप्लाइज दैट माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 5, माइनस माइनस कैंसल आउट, देयरफॉर वाई इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो हमारा x का वैल्यू हो गया 3, y का वैल्यू क्या आ गया 5, ठीक है। तो हेंस हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ गया, हेंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x बाय वाई था फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन हमारा क्या था, x बाय वाई, तो x क्या आया 3, y क्या आया 5, तो फ्रैक्शन इज 3/5। तो यहां पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वन, ठीक है। 5 इयर्स अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। उसके बाद 10 इयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। तो कहता है कि 5 इयर्स, ये हम लोगों ने 3.1 3.2 है ना, सभी एक्सरसाइज में लगभग ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। कह रहे हैं देखिए कि 5 इयर्स अगो, 5 साल पहले जो है नूरी का एज सोनू के एज का थ्राइस मतलब 3 टाइम्स था, 5 साल पहले का बात है। और अगर 10 साल आगे जाएं अभी से, तो जो नूरी का एज है वो ट्वाइस है एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। सोनू के एज का डबल है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स डबल। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमको मानना होगा, क्या मानना होगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स एंड दैट ऑफ सोनू बी वाई, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ नूरी को हम एक्स ले लिए और सोनू को वाई ले लिए, सोनू का प्रेजेंट एज को, ठीक है। अब हमारे पास जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से पहले देखिए कितना बात हो रहा है, 5 इयर्स अगो का बात हो रहा है, 5 साल पहले का बात हो रहा है। तो अगर हमको 5 साल पहले का किसी का एज निकालना है तो उसके एज में 5 हम माइनस कर देंगे, है ना। वाई माइनस 5 इक्वल्स टू, फिर सॉरी एक्स माइनस 5, वैसे ही जो हमारा दूसरा है सोनू, उसके भी एज में 5 साल माइनस होगा। अब कहता है रिलेशन देखिए क्या है, थ्राइस है सोनू का, मतलब सोनू का ये एज है, इसमें हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या आया, x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15,
फाइव इधर जाएगा, वाई इधर आएगा, आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 5. इम्प्लाइज डेट आ गया एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू माइनस 10. ये हो गया हमारा इक्वेशन वन. ठीक है, एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू माइनस 10 आ गया. इसको हमने क्या ले लिया, इक्वेशन वन ले लिया. तो हमारा अब जो हमारा सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है हमारे पास कि 10 साल बाद. तो 10 साल बाद के लिए फिर भाई हमको 10 ऐड करना होगा दोनों तरफ. 10 ऐड करने के बाद क्या कह रहा है कि रिलेशन देखिए, सोनू का से का ट्वाइस, सोनू का एज को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किसके एज के बराबर हो जाएगा, 10 साल बाद वाले नूरी का एज का. तो यहां पे हमारे पास आ गया x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20. इसको इधर कर दीजिए, उसको इधर कर दीजिए, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 माइनस 10. x माइनस 2y इक्वल्स टू क्या आ गया, 10. ये हो गया हमारा इक्वेशन 2. ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2. अब बोलिएगा तो फिर मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं हमको है. क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए x का यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है. दोनों केसेस में x का कोफिशिएंट 1 है. तो बस हमको क्या करना है, तो हमको बस इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को या इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है सिंपली. ठीक है, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2. आप 2 फ्रॉम 1 भी कर सकते हैं, एक ही बात है. ठीक है, फ्रॉम 2 है तो हमारे पास क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10 बाय x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10. अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये तो कैंसल आउट हो गया. यहाँ क्या बचा, तो y बचा है ना, और 10 प्लस 10 तो 20. तो देयरफॉर एज ऑफ सोनू तो निकल गया हमारा 20 इयर्स. अब इस वैल्यू को हमको बस पुट कर देना है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए. ठीक है, पुटिंग y इक्वल्स टू 20 इन 1 में ही कर देते हैं. तो हमारे पास है क्या, हमारे पास आ गया x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल्स टू माइनस 10. इम्प्लाइज दैट x माइनस 60 इक्वल्स टू माइनस 10. 60 उधर चले जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस 60. देयरफॉर देखिए x का वैल्यू आ गया 50 है ना. तो बस लिख देंगे हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज 50 इयर्स एंड दैट ऑफ सोनू इज 20 इयर्स. सो दिस क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड. तो यहां पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9. ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स, एक 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट वाला नंबर है, उनका सम जो है डिजिट्स का, अगर डिजिट्स को जोड़ दें तो वो 9 है. ठीक है, इसके बाद कहता है आल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स. अगर हम वो जो नंबर है उस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो इक्वल हो जाएगा ट्वाइस के, मतलब 2 टाइम्स के, डबल के, किसके किसके डबल के, तो उस नंबर को उल्टा कर देने के डबल के. ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम पहले नंबर्स जो है, हमारे डिजिट्स जो है उनको कुछ मान लेते हैं. लेट द तो जब हमारा क्या कहते हैं, एक 2 डिजिट नंबर होगा तो वहां पे 2 डिजिट्स होंगे, तो एक डिजिट टेंथ प्लेस पे होगा, एक डिजिट वंस प्लेस पे होगा. तो हमको इस तरह मानना होगा, लेट द डिजिट एट टेंथ प्लेस बी एक्स एंड दैट एट वंस प्लेस बी वाई. ठीक है, हमने डिजिट ले लिया जो टेंस प्लेस पे है वो एक्स और वंस प्लेस वाला वाई. सो द नंबर नंबर क्या आएगा यहां पे, देखिए 10x प्लस वाई होगा ये नंबर. अब बोलिए ऐसा क्यों होगा. ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि
आप कोई भी दो डिजिट्स हैं एक्स वाई छोड़ देते हैं, फाइव और फोर से हमको मान लीजिए कि एक नंबर, फाइव और फोर से जो है हमको एक नंबर ऑप्टेन करना है, ठीक है। फाइव और फोर से अगर नंबर ऑप्टेन करना है तो देखिए फाइव और फोर से हमको एक टू डिजिट नंबर बनाना है, तो वो नंबर क्या होगा, 54 होगा। तो 54 के लिए क्या कर रहे हैं, 5 को पहले हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ना उसमें 4 ऐड करेंगे तब जाके ये क्या हो रहा है, 54 हो रहा है। वही चीज यहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक है। ये नंबर है हमारे पास x और y, ठीक है। तो उसी तरह x को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें क्या ऐड कर दिया, y ऐड कर दिया, तो हमको जो नंबर चाहिए था वो नंबर हमको यहाँ मिल गया, ठीक है। तो ये होने के बाद अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ठीक है, उसको आपको समझना होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है कहता है कि दोनों डिजिट्स का जो सम है वो क्या है, 9, ठीक है। मतलब x प्लस वाई क्या है, तो 9 है। तो ये तो सिंपल इक्वेशन है, इसको आप सिंपली इक्वेशन 1 ले लीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, सेकंड इक्वेशन कहता है ट्वाइस द नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर। दिस नंबर क्या है, नंबर तो ये है, इसका 9 टाइम्स, ठीक है, इसका 9 टाइम्स अगर हम करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, ठीक है। डिजिट्स को उल्टा करने पे, मतलब वाई को इधर लाने में और एक्स को इधर लाने का, मतलब ट्वाइस 10y प्लस एक्स, ये इसके इक्वल हो जाता है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 9 को मल्टीप्लाई करना होगा तो हमारे पास आ जाएगा 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। सिंपली दोनों को इधर लेते आइए तो आपके पास आ जाएगा 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये 0 आ गया। अब 90 माइनस 2 तो क्या हो गया, 88x हो गया माइनस 11y इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा क्या, सेकेंड इक्वेशन। अब यहां पे देखिए सिंपली कि अब हमको इसमें मल्टीप्लाई तो करना ही होगा क्योंकि यहां पे x का कोफिशिएंट 88 या ऐसा कोफिशिएंट है ही नहीं, y का कोफिशिएंट 11, y का कोफिशिएंट भी यहाँ 1 है या ये नहीं है तो 1 है। तो आप किसी से भी अब 88 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 11 से कर दीजिए, तो हम यहाँ 11 से करेंगे क्योंकि 11 से करना यहाँ पे इजी है ना, क्योंकि 11 से इजीली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 88 से मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए हम ये जो इक्वेशन 1 है मल्टीप्लाइंग 1 बाय 11, 11 से मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगा, 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 9 इंटू 11 यानी 99, और ये हो गया हमारा इक्वेशन 3, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ऐड करेंगे, एडिंग 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम यहां क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या है, तो 88x है माइनस 11y है इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 2 है 11x है प्लस 11y है इक्वल्स टू 99। अब यहाँ पे ऐड क्यों किए, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे दोनों का साइन पहले ही अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे ये दोनों ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए हमने ऐड किया, तो 11y कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 99x इज इक्वल टू 99, तो इम्प्लाइज दैट 99 उधर जाएगा, 99x इज इक्वल टू 99/99 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब इस इक्वेशन 1 को कहाँ पुट कर दीजिए, आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, पुट इन x इक्वल्स टू 1 इन 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते ही हमारे पास आ जाएगा x की जगह 1 लिखेंगे, 1 प्लस y इक्वल्स टू 9, तो y इक्वल्स टू 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8। तो हमारे पास y का वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है, और जो x है उसका वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो इसके नीचे लिखेंगे सो द नंबर इज, नंबर क्या होगा, तुम्हारा नंबर क्या था, 10x प्लस y, तो 10 इंटू 1 प्लस y क्या है, तो 8, तो 10 इंटू 1 क्या हो गया, 10 प्लस 8, तो कितना आ गया, नंबर आ गया हमारा 18।
ठीक है। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए क्या कह रहा है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ रुपीज 2000, ठीक है। मीना जो है एक बैंक गई टू विड्रॉ रुपीज 2000, 2000 रुपया निकालने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट। 50 रुपीज और 100 रुपीज का ही सिर्फ नोट मांगा उसने, ठीक है। तो सी गॉट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल जो है उसको 25 नोट मिले। तो उसको कितने जो है 100 रुपीज के नोट और कितने 50 रुपीज के नोट्स मिले, यही इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको जो वैल्यू निकालना है उसको कुछ मानना होगा। फिर लेट द नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स बी एक्स एंड डेट ऑफ रुपीज 100 बी वाई, ठीक है। तो हमने क्या कहते हैं रुपीज सॉरी नंबर ऑफ नोट्स जो है 50 रुपीज के वो एक्स ले लिए और 100 रुपीज के क्या ले लिए वाई ले लिए। तो अब जो हमारा पहला कंडीशन है एकदम सिंपल सा कंडीशन है, कह रहा है कि दोनों नोट्स मिला के कितने हैं 25 है, मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 25, ठीक है। टोटल 25 नोट्स हैं, तो दोनों नोट्स का नंबर अगर हम ऐड कर दें तो किसके इक्वल हो जाएगा 25 के। इसको आप इक्वेशन वन ले लीजिए। अब इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि उसने कितने पैसे निकाले हैं, तो उतने उसने 2000 रुपीस निकाले हैं। तो 2000 रुपीस निकालने के लिए अगर एक नोट का वैल्यू 50 रुपीस है तो एक्स नोट्स का वैल्यू क्या होगा 50x। वैसे एक नोट का वैल्यू अगर 100 रुपीस है तो वाई नोट्स का वैल्यू क्या होगा 100y। तो वही यहाँ पे हम लोग सेकेंड इक्वेशन जो यहाँ पे बनेगा हमारा वो क्या बनेगा कि 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000, हमको 2000 रुपए यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ऐसा इक्वेशन है तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट अगर हम करने की कोशिश करें तो हो सकता है, ठीक है। सब में हम 50 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। सब में क्या कॉमन ले सकते हैं 50 कॉमन अगर हम ले लें यहाँ 50 कॉमन ले लिए दोनों में, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 2000। इस 50 को उधर डिवाइड में भेज दीजिए तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 2000 अपॉन 50। तो ये 500 कैंसिल आउट, 5 4 20, तो हमारे पास आ गया x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, ठीक है। तो ये अब हमारा हो गया इक्वेशन टू। तो यहां आ गया हमारा इक्वेशन वन, ये हो गया हमारा इक्वेशन टू। तो देखिए दोनों में फिर हमारे पास x का कोफिशियंट सेम आ गया, तो सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना होगा, हमको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम टू, टू को टू में वन को घटाएंगे तो टू है क्या, तो टू है एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 40 और वन क्या है तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 25। माइनस कर देते हैं तो माइनस करेंगे सारा साइन माइनस हो जाएगा, ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, वाई 2y माइनस वाई सिर्फ वाई बचा, 40 माइनस 25 तो वी गेट 15, वाई इक्वल्स टू 15। तो वाई का वैल्यू हमारा 15 हो गया। अब हमारे पास एक और वैल्यू था, अब इसको क्या करेंगे इसको पुट कर देंगे, पुटिंग वाई इक्वल्स टू 15 इन किसी भी इक्वेशन में वन या टू में आप रख सकते हैं, हम वन में रखते हैं, ठीक है। वन में इस वैल्यू को रखते ही हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 15 इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो यहां से x इज इक्वल्स टू क्या होगा 15 उधर चले जाएगा, 25 माइनस 15 देयर फोर एक्स इक्वल्स टू 10। तो यहां पे हमारा क्या आ गया x का वैल्यू आ गया 10, ठीक है। तो यहां पे हमने फिर x और y का वैल्यू निकाल लिया। अब बस लास्ट में हम लोग लिख देंगे हैंस, क्या लिखेंगे hence the number of 100 rupees notes sorry x है 50 ना, number of 50 rupees notes is 10 and that of 100 rupees notes is 15। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन है आज के एक्सरसाइज का। तो a lending library has a fixed charge for first 3 days and additional charge for each day thereafter,
ठीक है, एक लैंडिंग लाइब्रेरी है। लैंडिंग लाइब्रेरी मतलब ऐसा लाइब्रेरी जहाँ पे बुक्स जो है लैंड किया जाता है, मतलब कि किराए पे दिया जाता है। ठीक है, तो उस लाइब्रेरी में जो है एक फिक्स्ड चार्ज है बुक का फॉर फर्स्ट 3 डेज। मतलब अगर आप एक दिन के लिए भी बुक लेके जा रहे हैं तो वो फिक्स चार्ज आपको देना ही होगा, और अगर 3 दिन तक भी वो आपके पास बुक है तो वो आपको फिक्स चार्ज देना होगा। ठीक है, पर अगर 4th दिन हो जाता है, एडिशनल चार्ज आ जाता है उसमें, उसके बाद हर दिन का अलग मतलब सेम चार्ज है जो पर डे फिर आपको देना होगा, अगर उसके बाद 3rd दिन के बाद अगर आप वो बुक को रखते हैं तो। ठीक है, तो लड़की है सनीठा, ठीक है, सनीठा ने जो है क्या किया, सनीठा ने 27 रुपीज दिया जब उसने बुक को कितने दिन तक रखा, 7 डेज में तक रखा। और एक है सूसी, उसने क्या किया, तो उसने 5 डेज तक बुक को रखा, दोस्तों 21 रुपीज जो है वो पेड करने पड़े। तो कितने कितना इसका फिक्स चार्ज है वो निकालना है, मतलब फर्स्ट 3 डेज का जो फिक्स चार्ज है वो हमको निकालना है, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा चार्ज है पर डे वो निकालना है। ठीक है, तो हम लोग वही करने वाले हैं। तो जो निकालना है दोस्तों, फिर से हम क्या लेंगे, उसको कोई वैल्यू मान लेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड एक्स्ट्रा चार्ज पर डे बी वाई। ठीक है, फिक्स्ड चार्ज है एक्स और एक्स्ट्रा चार्ज है वाई। ठीक है, पर डे का हमने मान लिया। तो अब हमारे पास जो इक्वेशंस यहाँ जो कंडीशंस हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए, तो सनीथा ने कितने दिन तक रखा था बुक को, 7 डेज तक। तो 7 डेज में पहला 3 दिन का, फर्स्ट 3 डेज का तो फिक्स्ड चार्ज लगेगा, है ना, तो मतलब वो क्या लगेगा, वो एक्स लग जाएगा। और बचेगा अब कितना, 7 डेज में फर्स्ट 3 डेज का तो फिक्स्ड चार्ज है, बचेगा कितना, तो टोटल 4 डेज बचेंगे हमारे पास, उसके पास 4y हो जाएगा वो, मतलब पर डे का चार्ज है वाई उसके पास, है ना, एक दिन का वाई, दो दिन का 2y, 3 दिन का 3y, 4 डेज का 4y। यहाँ पे 4y इसलिए लिखे क्योंकि फर्स्ट 3 डेज का तो ये चार्ज है, बचा 4 दिन तो 4y। ठीक है, इसके बाद ये किसके इक्वल है हमारे पास, तो ये इक्वल हो जाएगा 27 रुपीज के, इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए। इसके बाद जो हमारा सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, एंड कहता है कि सूसी ने उसको 5 डेज तक रखा, तो फिर सेम चीज, फर्स्ट 3 डेज का तो एक्स लग गया, है ना, इसके बाद अगले 5 डेज में कितना, 3 दिन हटा दीजिए, उसका प्राइस है एक्स, बचा कितना, तो दो दिन तो 2y, इसमें कितना रुपया लगा, तो 21 रुपया लगे इसमें, इसको आप इक्वेशन 2 ले लीजिए। अब देखिए दोनों इक्वेशन को जरा अच्छे से, तो यहाँ पे दोनों में x का कोफिशिएंट सेम है, फिर से 1 1, तो मल्टीप्लाई कुछ करना नहीं है, सिंपली हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 में माइनस कर देंगे, 2 को 1 में भी आप कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको पैसा आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 21, और दूसरा है x प्लस 4y इक्वल्स टू 27। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, एक्स एक्स हो गया, कैंसल आउट, 2y माइनस 4y तो माइनस 2y, 21 माइनस 27 तो माइनस 6, माइनस माइनस हो गया, कैंसल आउट। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम y का वैल्यू निकालें तो y इक्वल टू क्या हो गया, 6/2, देयरफॉर y इक्वल टू 3। ठीक है, तो देयरफॉर क्या आया, y इक्वल टू 3 आ गया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुटिंग, ठीक है, इस वाई के वैल्यू को किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर दिए, पुटिंग वाई इक्वल्स टू 3 इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, पहला इक्वेशन में पुट करते ही एक्स प्लस 4 × 3 क्या हो जाएगा, 27। ठीक है, तो एक्स प्लस क्या हो गया, ये 12 इक्वल्स टू 27, तो 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, देयरफॉर x इक्वल टू 15। तो क्या हो गया, ये फिक्स्ड चार्ज हो गया 15, और चार्जेस एक्स्ट्रा चार्जेस पर डे जो निकला है हमारा वो आ गया कितना, 3। ठीक है, तो यहां पे जो हमारा वैल्यू आ गया, हम लिख देंगे हेंस द चार्जेस, द फिक्स्ड चार्ज
द फिक्स्ड चार्ज इज रुपीज 15 एंड द एक्स्ट्रा चार्ज पर डे इज रुपीज 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा ये एक्सरसाइज 3.4 फिनिश हो गया। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, सारा क्वेश्चंस बन चुके हैं। ठीक है, जिसमें आपका जो पहला क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला जो क्वेश्चन था, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू जो सॉल्व करना था वो आपका होमवर्क है। इसके अलावा इन सभी क्वेश्चंस को भी थोड़े आप अलग तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि अगर हमने कहीं पे एक्स को एलिमिनेट किया तो आप वहाँ पे वाई को भी एलिमिनेट करके देख सकते हैं, या जैसे मैंने 1 में 2 माइनस किया तो आप 2 में 1 माइनस करके, मतलब थोड़े से अलग डिफरेंट ढंग से जो है उसको बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नहीं बनता तो कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।